हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड वी डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको क्लियरली बताया था लास्ट वीडियो में कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि 11,300 एक रेजिस्टेंस है और 11,180 एक सपोर्ट है। आज अगर आप देखो उसी रेंज में था और एक डोजी कैंडल बनाया है, सो साइडवेज मार्केट ही हमें देखने को मिला है। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना है आपको। 11,300 के ऊपर आपको बुलिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, 11,180 के नीचे आपको बेरिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी भी आप देखो कम्प्लीटली साइडवेज था, 21,200 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, 21,700 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, इसी रेंज में ही घूम रहा है मार्केट। सो अभी फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना है, लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अभी फिलहाल मार्केट साइडवेज है, 21,200 अगर टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको बजाज ऑटो सेल दिया था 2890 के नीचे, ये 2870 तक जाके आया, इसमें आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा। नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था IGL, IGL भी 388 के नीचे सेल दिया था, 385 तक गया, इसमें भी आपको इंट्राडे में पैसा आया होगा। UPL मैंने सेल दिया था 490 के नीचे, लेकिन वो लेवल ही ट्रिगर नहीं हुआ, सो UPL में हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है। सो बजाज ऑटो और IGL में अगर आपने ट्रेड किया है और अगर आपको प्रॉफिट आया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यू मेड सम प्रॉफिट। डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का चार्ट पैटर्न मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। अगर आप देखो एक फॉल आया था, एक रिट्रेसमेंट हुआ और वापस ये फॉल कंटिन्यू कर रहा है, सो इसमें एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। एग्जैक्टली कौन सा लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा सन फार्मा का भी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि 500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा और लगातार हमें शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। 500 के नीचे क्लोजिंग हुआ तो इसमें भी एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट अगो का LNT। LNT का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये रेड कैंडल के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आया, वापस प्राइस ने रिकवरी किया है और मुझे लगता है यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन LNT का स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।